ये पापी दीवार पे चढ़ के क्रिकेट मैच को उपभोग करते हुए চলুন দেখি কিভাবে রান্না করি। সরষে কাওয়ে थोड़ा सा हल्दी पाउडर देंगे, सॉल्ट भी थोड़ा सा। पोटैटो फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पोटैटो को पहले फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इस पे डाल देंगे ब्रिंजल और सीम जो होता है सीम डाल देंगे। तो ढक के रखेंगे। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, पोटैटो फ्राई हो चुका है। अभी इसमें डाल देंगे ब्रिंजल और सीम जो है सीम डाल देंगे, इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये सीम इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ऑयल कम खाएंगे हम लोग, हेल्दी फूड है इसलिए। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल दे देंगे, क्योंकि नहीं तो इसको जल जाएंगे नीचे से। ढक के रख देंगे। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, सारे सब्जियां फ्राई हो चुका है। ये देखो, फ्रेंड्स अभी हम साग की तड़का लगाएंगे। पहले डाला हमने सरसों का ऑयल और एक सूखा हुआ चिली, उसके बाद लहसुन डालेंगे, गार्लिक, थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद ये साग को डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, उसके बाद स्वाद अनुसार सॉल्ट। थोड़ा सा 30 सेकंड तक इसको फ्राई होने देंगे। फ्राई हो चुका है, अभी पहले फ्राई किया हुआ वेजिटेबल्स डाल देंगे। देख सकते हो ये साग हमारा बन चुका है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मी और एक डिलीशियस और हेल्दी खाना बनाया है। ये दाल है, ये जो डुगा से दाल बनाया है, पंपकिन के डुगा से, पम्पकिन के ब्रांचेस से दाल बनाया है। और यहाँ पे फ्राइड पोटैटो और यहाँ पे साग, बहुत सारे वेजिटेबल्स है। आज खाने में बहुत मज़ा आएगा, मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी वेजिटेबल्स खा के देखते हैं कैसा बना है फ्रेंड, कैसा टेस्टी बना है, आप लोगों को बताऊँगा। गरम गरम सब कुछ फ्रेंड्स, गरम गरम आज शुद्ध बात खास शाक प्रथम पहले फ्रेंड शाक से खाएंगे।
মিঠে চিলি নি না চিলি আর আছে তো দেবো তাহলে দেবো তাহলে সাত সে খাকে দেখতে হ্যাঁ ফ্রেন্ডস কেসা বানা बहुत सारी सब्जियां देके ये साग बनाया गया है, टेस्टी लग रहा है। फ्रेंड्स आप लोग भी घर पे ऐसे ही ट्राई करना, देखना बहुत टेस्टी लगेगा। শীতকালে এ ধরনের শাক খুব টেস্টি লাগে। পালং শাক খুব আর ফেভারিট, আমি সব শাকই আমার ফেভারিট। আচ্ছা Thank you.
अच्छा डाल ले तो।